मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हम घर से निकल रहे थे तो यह पीला ला पर्ची गाड़ी के माध्यम से बता रहा था। फिर हम फील्ड में जा रहे हैं तो गाड़ी के माध्यम से पूरे शहर में अलाउंस किया जा रहा है, और यह अलाउंस किसी प्रोडक्ट का सेल के लिए नहीं है। ना कोई राजनेता आ रहे हैं, ना शहर में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। यह सोच है सरकार की, यह सोच है उस अधिकारी की, और यह सोच है उस युवा की, दर्द को समझने की एक कोशिश। हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अवर प्रादेशिक निर्देशालय, जो एक्सचेंज है गोलमुरी एक्सचेंज, उसमें रोजगार का मेला लगा हुआ है। और अजय कुमार जी हैं हमारे बगल में, हमारे साथ, और इसके बारे में और बताएंगे कि इस बार की रोजगार मेला में आप लोग जमशेदपुर के जो बच्चे हैं, जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं, उनको कितना रोजगार हमारे शहर में, हमारे अगल बगल कंपनी में मिलने वाला है। तो अपने परिचय देते हुए अपने विभाग का, उसके बाद हम आप बताइए कि कितने लोगों को रोजगार होगा। मैं अजय कुमार, नियोजन पदाधिकारी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। कल दिनांक 20 दिसंबर 2023 के दिन श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय जमशेदपुर के कार्यालय में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। 75% आरक्षण स्थानीय नियुक्तियों में स्थानीय जो लोगों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस रोज़गार मेले में स्थानीय कंपनियों के द्वारा भी जो है पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। वैसे शिक्षित युवक युवतियां जो ITI पास हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, BTech जिन्होंने किया है, उनके लिए जो है, और साथ ही साथ तकनीकी और गैर तकनीकी सभी तरह के रिक्तियों के लिए यह रोज़गार मेला का आयोजन कल किया जा रहा है, जिसमें नुभोको, विस्टार्स कॉर्प जमशेदपुर, ABT कुमार एंड कंपनी जमशेदपुर, स्पर्धा प्रकाशन, क्वेस क्रॉप लिमिटेड, क्वालिटी फैब्रिकेशन गमरिया, टैलेंट नेक्सा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और इस तरह के और कुछ स्कूल्स के भी वैकेंसी हैं। टाटा ग्रुप के भी कुछ, टाटा ग्रुप के भी, जैसे क्वेस कॉर्प जो है वो एक से अधिक कंपनियों के जो है अपने प्रतिनिधित्व करती है, और उसके तहत भी जो है वो लोग लेते हैं। तो इस प्रकार जो है इन कंपनियों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि जो शिक्षित युवा बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार अपने ही क्षेत्र में जो स्थित कंपनियां हैं उसमें जो है उन लोगों को रोज़गार मिल सके। कितने लोगों का सर आपका टारगेट रहता है कि सरकार की तरफ से कि वो उतना कम से कम फुलफिल हो जाना चाहिए? लक्ष्य तो ऐसा कोई लक्ष्य तो निर्धारित नहीं किया जाता है, किंतु जब हम लोग वैकेंसी कलेक्शन करते हैं तो जिस तरह से वैकेंसी हमारे पास 1500-2000 के आसपास हमें हमारे पास जो है प्रत्येक रोज़गार मेला में, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हमें वैकेंसी प्राप्त होती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस वैकेंसी के विरुद्ध में अधिक से अधिक योग्य जो हैं, शिक्षित जो युवक युवतियाँ हैं, वो आएँ, भाग लें, और अधिक से अधिक लोगों का इसमें चयन हो। सर ये जो बच्चे लोग होते हैं जो उसमें, उसका कुछ नियम कानून है कि सर उसको क्या करना पड़े, वो भी थोड़ा बता दीजिए सर। इस रोज़गार मेला में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम उन्हें जो है अवर प्रादेशिक नियोजनालय जमशेदपुर गोलमुरी स्थित कार्यालय में आ करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड प्राप्त करना ज़रूरी है। वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के बाद जो विद्यार्थी हैं, जो लाभुक हैं, उम्मीदवार हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ
रेजिडेंशियल भी अब जो है अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि रेजिडेंशियल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में अगर जो आरक्षण प्राप्त का जो पॉलिसी है उसके तहत से जो है उनको उनका स्थानीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये है इसमें। सर, इसमें जो बीटेक है, इंजीनियरिंग है, आईटीआई है, हर साल की भांति सर इस बार भी जब लड़का को जॉब मिलता है सर, पहले कल तक सरकारी सरकार के माध्यम से उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी सरकार बहुत ध्यान दे रही है और आप जैसे अधिकारी को, ऑफिसर को भेज रही है फील्ड में, तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है कि सर बच्चे लोग को जब उनको नौकरी मिल जाता है आसानी से, तो उनका चेहरा में, उनके परिवार में वाले आपको आकर जरूर मिलते होंगे, तो क्या व्यक्त करते हैं सर? ऐसा होता है, देखिए जो व्यक्ति योग्य होता है, जिसमें लगन होती है और ज्ञान उस अनुरूप, उस योग्यता के अनुरूप ज्ञान प्राप्त जब वो कर लेते हैं, तो रोजगार मेला में जब जैसे लोग आते हैं और योग्यता के अनुरूप अब जब रोजगार उन्हें प्राप्त होता है, तो जो है वो उनका जो खुशी है वो हम लोग, मतलब हम लोग जो है, हम लोग की अपेक्षा यही रहती है, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट विभाग है ये एक माध्यम है, यह जो है जो काम करने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो इस आशा से आते हैं कि यहाँ रोज़गार प्राप्त होगा, और जो कंपनियाँ इस आशा से आती हैं कि हमें जो है इच्छित जो कर्मचारी हैं वो प्राप्त होंगे, तो हम बस उन दोनों को, कर्मचारी जो 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 कंपनी है उनकी अपेक्षा के अनुसार, और जो जो विद्यार्थी जो आते हैं, जो पुल का काम, हाँ, बस हम लोग दोनों उनको एक जगह बैठाने का काम करते हैं कि भाई आप उनके सेवा शर्तों के हिसाब से और कंपनी उनकी योग्यता के हिसाब से एक दूसरे को समझ लें और इस तरह से जो है रुचि अनुसार अपना जॉब का जो है वो अप्लाई करें और उसमें चयनित होने का उनको मौका मिलता है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी जो हैं चयनित हुए हैं और जो कि अच्छे जगह पे भी हैं, बस लगन होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। सर, एक बार टाटा स्टील भी यहाँ से आकर बच्चे लोग उठा कर लेके गए थे, टाटा स्टील जैसे कंपनी यहाँ पर उठा कर लेके गए थे, और अभी सरकार में भी 75% आरक्षण कर दिए। सर, एक चीज़ और देखा जाता है कि जो बच्चे का पैकेज कहाँ से शुरुआत होता है, कितने सैलरी से उसको मिलता है सर? देखिए 25% आरक्षण लोकल जो बहाली में किया गया है इस एक्ट के माध्यम से, उसमें 40,000 तक या उससे नीचे के जितने भी जो भी पद होते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे वो परमानेंट हो, मैंने इस तरह का जो भी प्रकृति वाले पद होते हैं, वो सभी जो है इस एक्ट के दायरे में आते हैं। और इसमें जो विद्यार्थी हैं जो अप्लाई करते हैं, तो वो लोग तकनीकी योग्यता के हिसाब से तकनीकी पदों पर अप्लाई करते हैं और उनका इंटरव्यू होता है और वो अंततः जो है चयनित होते हैं। कहीं कहीं जो है वो सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, अब उसके हिसाब से कंपनी का जो भी अपना है कि भाई उनको 18,000 है, 20,000 है, 22,000 है, जो कमिटमेंट है या जो अनुभवी हैं तो उनको कुछ ज़्यादा सैलरी मिलता है, या पहले काम किए हुए हैं तो उस पर वो निगोशिएट कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने पहले 22,000 में काम कर रहा था, अच्छा ठीक है तो इससे 2,000 और बढ़ा के हमको दिया जाए, तो इस तरह का जो है निगोशिएबल होता है। सर, एक हर समय देखते हैं कि जब रोजगार मेला होता है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये सरकार लगातार कितने महीनों से रूटीन है कि उतना दिन में करना है, कि कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट होता है कि कंपनी मांग रही है आप लोग रोजगार में रखें? अभी निदेशालय के स्तर से, विभाग के निदेशालय के स्तर से हमें कुल 4 रोजगार मेला इस वित्तीय वर्ष में करने का जो है आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें एक रोजगार मेला चकुलिया में हो चुका है और इसके तो कुल मिलाकर के जो है 3 रोजगार मेला, ये तीसरा रोजगार मेला होगा। और समय समय पर हम लोग एक इस तरह का एक बड़ा आयोजन करते हैं, जिसे
अधिक से अधिक वैकेंसी रिक्तियां प्राप्त करके हम अधिक से अधिक जो बेरोजगार शिक्षित युवा युवतियाँ हैं उनको मौका देने का प्रयास करते हैं। सर अंतिम बार फिर एक बार अपनी जानकारी पूरी पब्लिक डोमेन में उसको फिल्टर करके एक बार बता दीजिए। सभी शिक्षित युवक युवतियों को मैं यह विभाग और पैसिंग नाले बोलमुरी के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि कल दिनांक 20 दिसंबर 2023 को एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन इसी योजनालय के गोलमुरी कैंपस में जो है किया जा रहा है और 2000 से ऊपर रिक्तियां हमें विभिन्न नियोजकों से प्राप्त हुई हैं जिसमें तकनीकी एवं गैर तकनीकी सभी प्रकार के जो हैं रिक्तियां हैं। आप लोग उत्साहपूर्वक अपने योग्यता के अनुसार इच्छित जो ट्रेड है उसके अनुसार जो है आएँ, अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करें और अपने योग्यता के अनुसार जो है इसमें जो है नौकरी का अवसर और प्राप्त करें और साथ ही साथ जो है एक बेहतर भविष्य के प्रति जो है अग्रसर हो। धन्यवाद सभी दर्शकों को कि इसका फ़ायदा उठाइए। सरकार के तरफ से यह योजना चलती है लेकिन ये 20 तारीख को जमशेदपुर में हो रहा, आप इसका जरूर फ़ायदा उठाइए। एडी लाइव को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।